सारे भाई ने राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्म। और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं भीतर की बात, जो जो जिन जिन पार्टियां के प्रत्याशी टायर दिए गए हैं, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, जेजेपी की बात करें, तो हमारी भीतर की बात कार्यक्रम उन तक चल रहा है। भीतर की बात उन तक पूछा है और भीतर की भाप उन पकड़वा। आज जो हमारे भीतर की बात जो कार्यक्रम है उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो मतलब यदि प्रदेश की बात करें, प्रदेश के बाद यदि देश की बात करें, देश की राजनीति में एक उनकी पहचान रही है। 2 बार सिरसा से वो सांसद रहे हैं, 2 बार अम्बाड़ा से रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालय उन पर रहे हैं, और भाई पर्यटन मंत्रालय रहा है, मानव संसाधन मंत्रालय रहा है, और AICC की बात करें उसके सदस्य हैं, CWC के सदस्य हैं। तो कुमारी सैलजा जो अम्बाला से हमारे कांग्रेस की यदि प्रत्याशी की बात करें तो अम्बाला से उनको कांग्रेस का प्रत्याशी, ये जो अपने चुनाव होने जा रहे लोकसभा के उसके उस पे तौर पे उनको उतारा गया है। और भाई मैं कहा करूँ, करेला का जूस पी गए रहे हूँ और मीठे मीठे सवाल पूछाएंगे। जूस करेला का है लेकिन मीठे मीठे सवाल पूछाएंगे। मैडम जी, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया। राम राम। पहला कड़वा और जलेबी वर्गा सीधा सवाल ये पूछ लें, राम 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 तो दिक्कत तो नहीं बनती कुछ, राम राम करवा ली। हम तो हमेशा ही कहते हैं किसी का मार का है क्या, कोई हाँ ठेकेदार है, किसी की बपोती नहीं है, ये क्या हो गया। हम राम तो राम हमेशा तो बचपन कर। से ही राम राम कहते हैं, हम अपने तो कहते ही हैं। अरे का दिनों का दिन राम नाम जपना पराया माल अपना, वो कौन है? अरे मुंह में राम राम बगल में छुरी, हाँ, तो बिल्कुल वो किस पे लागू लागू है। जो वर्तमान सरकार है, है? वर्तमान जो माहौल बना हुआ है वो आप देख रहे हो। आप कड़वी हुँ। बात कह रहे हो तो कड़वी सच्चाई ये भी है हुँ। कि आज के दिन जो देश में माहौल पैदा किया गया है हुँ। उसके जिम्मेवार कौन है। जो हुँ। वर्तमान हुक्मरान है उन्होंने किया है। तो आप जैसे जब राजनीति में आए तो आपके पिताजी दलबीर सिंह होते थे, जो चौधरी दलबीर जी, तो उनके निधन के उपरांत ठीक एकदम बाई इलेक्शन में आपको अपनी एंट्री करनी पड़ी राजनीति में। शुरुआत आर के साथ हुई, फिर आप 4 बार सांसद बने, और जो मैंने बताया उसका कुछ रह भी गए हो बहुत से महकमे, आप भी थोड़ा बता दो कि क्या जिम्मेवारी आप करी। तो जो शुरुआत रही थी आपकी राजनीति की, आर तक शुरुआत हुई थी फिर सक्सेस की तरफ बढ़े, दोबारा पार्टी की बात करें, हरियाणा की स्थिति की बात करें, ईब की स्थिति देखो किस हालत अभी बहुत मैं समझती हूँ कि असलियत जो भारतीय जनता पार्टी की है वो लोगों के सामने आ गई है। आपको याद होगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं रहा, कुछ क्षेत्रों में सीमित रहे ये। और जब कभी भी सत्ता के नज़दीक के पहुँचे या सत्ता में आए तो तालमेल के साथ, अलायंस के साथ, लोकदल था या जो जैसे भी, अपने नहीं पहली बार दम इनको एक ऐतिहासिक बहुमत हरियाणा की जनता ने दिया। वो किन कारणों से दिया वो अलग बात है, तो उस लेकिन बहुमत वो का मिला। फायदा पब्लिक को मिला कि नहीं मिला अब आपके हिसाब से? पब्लिक के सामने इतने पिछले 5 साल जो सामने आई है बात, वो बिल्कुल एकदम अलग है, उससे विपरीत है। भाई आप कह दो कि चंद्रमा ला के दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, फलाना दे देंगे, तो अच्छी लगती हैं ऐसी बातें, किसको नहीं अच्छी चौपड़ लगती चौपड़ कर दिया, हैं। रोटी और चौपड़ चौपड़ अब कर, टिंडी दर के, टिंडी हाँ टिंडी धर के, की। और जलेबी की अब बात करें तो भाई हाँ गुआने की का जलेब है, किसको नहीं हाँ अच्छा लगता। अब हाँ सारे सर्दी में खाते हैं, हाँ एक गरम बार तो गरम, देखते मुंह में पानी आ जाए। हाँ दूध में गरम कर करके खाते हैं आपा, तो सबको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, काला कायाकल्प हो जाएगा। 10 साल हमारी भी सरकार थी तो थोड़ा सा बदलाव और उम्मीद होती है मिला, लेकिन 5 साल में जो धोखा जनता के साथ हुआ, अपन हरियाणा की बात करें, किसान वर्ग को ले लो, गरीब आदमी को ले लो, मजदूर को ले लो, चाहे कोई भी शोषित वर्ग है, व्यापारी मजदूर है और अपने कर्मचारी है, किसी को तो देखो कौन है जो सड़क पे धरने पे नहीं उतरा हो। और अगर इस सरकार से इतने ही खुश होते तो ये तो नौबत आनी नहीं चाहिए थी। यानी कि कथन करनी मंत्रा करनी करी। देखो पूरा जी पूरा का पूरा। ऐसा ना हो कदे आप भी बड़ोखा मरा जो कदे एक आधे आपने मौका दिन दो भी सारे तंग हो रहे हैं और मैं वोट भी बीजेपी का नहीं आ जाए, फिर वहीं लिकड़ भी जाए, उसके बाद फिर सफाई आप लोग दे, वो बिल्कुल मशीन में गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल ये हो जाए, वो हो जाए, फिर ये बयान आवे।
देखो मशीनों की जहां तक बात है उसके लिए तो सारी विपक्ष की पार्टियां इकट्ठा होके ये मुद्दा हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन हर जगह इस बात को उठाए। तो एक बात तो है, तो ये बहाना की बात नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन लेकिन उसके बावजूद हमारे को इस देश की जनता पर विश्वास है। अभी साथ के साथ कोर्ट में भी ये मामला है, क्योंकि ईवीएम का एक अलग मुद्दा, मैं लोकतंत्र की बात कर रही हूँ, लोगों के मत की बात कर रही हूँ। सिर्फ ये बात नहीं है कि लोग उग गए हैं या लोग कह रहे हैं, हमने लोगों के कहने पर ही जाना है लोकतंत्र में अपनी बात, लेकिन हम अपनी बात लोगों के सामने भी रखेंगे। हवा एक चीज है, लोगों के बीच में काम करने का कोई विकल्प नहीं होता। आपको काफी सारे मंत्रालय मिलते रहे हैं, सोनिया गांधी के घनी करीब भी हो, जहाँ तक मंत्रालय मिले आपकी अपनी अपनी क्षमता के दम पर मिले। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा की बात करा, आप गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भी आप रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे भाजपा वाले को हैं बोला गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हटा दिए कांग्रेस ने, क्या कहो इनके? तो भाजपा के पास तो ये इस तरह की बातें कहने का है, जुमला पार्टी है, जुमला नेता है, जुमले करने हैं इन्होंने, इनकी जुमले में जुमले में उनका कोई मुकाबला नहीं, हम तो उसका मुकाबला करना भी नहीं चाहते, ना करना ही नहीं, हम जुमलों में क्यों करेंगे हम। हमने काम करके दिखाया है, और जब 10 साल हमारी सरकार रही, अब आप देख लो, आप तो देखो तब से अब तक जो भी बात है, लेकिन गरीबी के लिए हमने अनेकों काम किए। हमने राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा बिल लेके आए कि नहीं लेके आए, हम आवास की योजनाएं लेके आए कि नहीं आए, तब आया कर, अब बताओ कितने आवास बने हैं, कितनों को दिए, हमने प्लॉट दिए कि नहीं दिए गरीबों को, दिए ना, तो ये काम हमने तो करके दिखाया। कुछ करके दिखाते हो तो फिर सत्ता से बाहर क्यों भेजते, सत्ता से बाहर भी भेज दिया। देखो दो बातें थी, एक तो केंद्र देश से भी और प्रदेश से, ठीक कह रहे हो, उसमें मैं उस चीज को कैसे गलत कहूँ, जो ये असलियत है। कारण क्या है? कारण दो होते हैं, एक तो है कि 10 साल हमारी सरकार थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है कि भाई 10 साल इनको देख लिया, जो बच्चे 10 साल के थे जब हमारी सरकार हुई वो 20 साल के जवान लड़के हो गए उनको, और सोशल मीडिया, और वो भूल गए कि राजीव गांधी और कांग्रेस के टाइम में ये रेवोल्यूशन आया है जो आईटी का है, भूल गए हमेशा आगे की ओर देखने की भाई कोई नई चीज मिली। पहली बात तो ये 10 साल का हो गया। दूसरी बात जो होगी, अगर भाई कोई आ गया एकदम नई बात लेके हाई टेक, और भाई मैं 15 लाख दूंगा आपकी जेब में, मेरे को बताओ आप कितनी कमाई कर रहे हो, 15 लाख अच्छे नहीं लगते क्या आपको? सुन मुफ्त में आपके अकाउंट में आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं सुनो, 15 लाख बोल दिया आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी भी कई बार अनुकार हूँ मैं तो, हलवा भर की जीव थिसल से कई बार, वो 72,000 साल के हैं, भिन्न के हैं, छमाही हैं, उनके बारे में बताया तो कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई जबान फिसल जाए, आपके कर्मों की नहीं फिसल, फिर आप थोड़ा बता देना 72,000 का मामला है कि हरियाणा में बता दे। नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात है, देखो हमने सारी बात सोच समझ के, कहने को तो 15 लाख वो कह रहे थे, हम 20 लाख कह देते या हम कह देते 10 लाख देंगे, ऐसे नहीं है। सारे अर्थशास्त्रियों के साथ मिल बैठ के सारा बजट कैसे बनता है, कहाँ से हम निकालेंगे, वो सारी बात करके हमने फैसला किया कि जो सबसे गरीब लोग हैं देश के, 5 करोड़ परिवार बनते हैं सबसे गरीब, भाई उनके हर परिवार के अकाउंट में खाते में हम देंगे, आपके आपकी अगर आमदनी है 6,000 महीना तो बाकी का 6,000 सरकार देगी आपके खाते में, और खाता भी किसका? महिला का। थोड़ी ही तो रीस कर लिया आपने भी, खाता में गिरने वाली मोदी जी ने भी कही खाता में गिरूंगा, थोड़ी थोड़ी रीस आपने भी कर ली। रीस हमने नहीं की, रीस उन्होंने की है, आधार हमने शुरुआत की थी, और मैं आपको कह सकती हूँ क्योंकि आपने जब मेरे मंत्रालय की बात की उनमें आखिर में जो मेरा मंत्रालय था वो था सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, तो उसमें सबसे ज्यादा जब आधार हमने शुरू किया तो सबसे ज्यादा स्कीमें मेरे मंत्रालय की आई थी उसमें, अच्छा, जो हम सीधे पैसे देंगे अकाउंट में। शैलजा जी बहुत से जो स्कीम थी आप लोगों की पॉलिसी थी जी आप कराया कर दे जी, तो वो आपने ठीक ला कर दी भी पॉलिसी, और विरोध में विपक्ष में बैठे थे भाजपा वाले उस टाइम तो वो गलत हो गई, और उन्हें आप पे वाली चीजें आज वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आज वो गलत कैसे? पॉलिसी तो आप पे वाली है,
आपको भी हमारे यहाँ जीएसटी हमारी थी या फिर जो आधार वाली बात है ये पॉलिसी आप लोगों ने चलाई थी, आप करते इम्प्लीमेंट तब तो वो ठीक थी, भाजपा उनको कर रही है जी में गलत हो गई नू के चक्कर है, बोला हमारा कुत्ता तो कुत्ता डाल दिया, चक्कर इन्होंने डाल दिया। जैसे आधार हमने शुरुआत की, आधार हमने ये किया कि भाई ये सहूलियत होगी, सहूलियत होगी जिसके माध्यम से हम लोगों तक पैसा देंगे। इन्होंने उसको मैंडेटरी कर दिया, अब भाई ये नहीं होगा तो फिर किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। अब मेरे को एक बात बता दो, आप गांव से आए हो, हम सारे गांव से आए हैं, हमारे रिश्तेदारों भी गांव में जो काम कर रहा है उसके अंगूठे का निशान है भी कि नहीं, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, निशान तक नहीं निकलेगा उसका, कैसे करेगा? तो इसका मतलब उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? ये तो कोई बात नहीं, आप इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, एक जरिया बना सकते हो, शुरुआत इसलिए हमने की थी। लेकिन ये इन्होंने उसको सारे को बदल दिया। जीएसटी का आपने उदाहरण दिया, जीएसटी 5 साल किसने रोक के रखा था? 5 साल मोदी ने रोक के रखा था। मैं बताऊं, आप पहला काम आगे बढ़ाया है नहीं, आप पहला बढ़ाया काम तो हमने शाबाशी देनी थी भाजपा ने, बहुत बढ़िया करा नु का ने मारा ही पॉलिसी है, चलो हमने कर दिया तो शाबाशी पीठ थपथपा देंगे उनकी, नहीं थपथपा सकते। मैं बताऊं क्यों, विपक्ष विरोधी दल हो गया ना, ना ना अच्छा काम करो हम मानेंगे, क्यों? इसलिए नहीं था, फर्क आ गया, फर्क आ गया, फर्क ये आ गया कि जीएसटी का मतलब था सरल टैक्स। इन्होंने जीएसटी को इतनी जल्दी में वाहवाही लेने के लिए, पहले तो वो टैक्स बुरा था, मैं उल्टी बात वही आप जो आप कह रहे हो भाई उसके टाइम में, उसके टाइम में हमने शुरू किया, आप ढंग से शुरू करते हम कैसे कह देते? हमने तो भाई शुरुआत की थी, एक गुजरात ने रोक के रखा था, अब वो सबसे बढ़िया टैक्स हो गया क्योंकि मोदी लागू कर रहा है, आधी रात को लागू कर रहा है, तो कहाँ हो गया, क्यों सारा देश उसके खिलाफ है? हम कह रहे थे सरल टैक्स, एक टैक्स जो ठीक से लागू, लोगों को तंग मत करो, इन्होंने खराब कर दिया, इसलिए हम कह रहे हैं, और किसी लिए नहीं। चलो जी, ये तो केंद्र के इलेक्शन है, केंद्र की राजनीति के इलेक्शन है, अरनू का आरम मतभेद भी आ रहा है, मन भेद भी आ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हो, भाजपा की अपनी विचारधारा है, कई बार अरनू का आ रहा कुछ विचारधारा पसंद भी आ रहे हैं, भाजपा की कोई बात पसंद भी आ रहा आपने, मतलब राजनीति तो ऊपर उठ कर पूछ रहा हूँ आपसे, राजनीतिक सवाल तो ऊपर उठ कर पूछूँ, कोई खास बात भी है भाजपा में, कड़ी तो विचार मिलते होंगे, सोच लो थोड़ा कि मैं अच्छा ही हो, थोड़ी बहुत गए थे उनकी भी कि मैं तो अच्छा होगा सोच रही हूँ, कुछ पाया नहीं कितनी देर है आपके पास, मैं सोचती रहती हूँ। अच्छा, यानी कि कुछ होता तो पाया जाता है, मैंने तो नहीं पाया। अच्छा, एक विचारधारा तो मैंने लागे मिल दी, ये ब्याह कौन करा रही, कौन करे, आपने भी साथ दिन कराए ब्याह भी नहीं करा रही, यू विचार मिल रहा है, कौन मिलेगा? व्यक्तिगत बात है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, कैसे इनके साथ हमारे कैसे विचार, मैं जन्म जात कांग्रेसी, कैसे विचार मिलेगा हमारा, आरएसएस का हमारा राष्ट्रीय मुद्दे बताइए कुछ, कभी नहीं मिल आरएसएस की बात बताऊं। अच्छा मैं बताती हूँ, राष्ट्रीय मुद्दों की जहाँ तक बात हो, कांग्रेस की सरकार थी, विदेश में डेलीगेशन भेजना था यूएन में, हमारी सरकार ने वाजपेयी जी को भेजा, वाजपेयी जी को हेड बनाया डेलीगेशन, वाजपेयी अडवाणी तो अच्छे लगे तुमने कांग्रेस लगने की बात नहीं, मोदी में मोदी तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, जो गलत बात थी हम उनको भी क्रिटिसाइज करते थे, भी आलोचना करते थे, जो बात ठीक थी उसको, लेकिन आज के दिन आप ये बताओ, यही मोदी जी विदेशों तक में जाके हमारे खिलाफ बोलते हैं, देश के मुद्दे विदेशों में लेके आते हैं, इनकी आप कैसे इनका आदर आप कर सकते हो, इस स्तर पे ये ले आए हैं राजनीति को, कौन सी चीज हम ढूंढे हैं जिन जिन पे इनका आदर। अच्छा, सैलजा जी हूँ तो सारी पार्टियों में गुट है, और किसी पार्टी में गुटम गुट है, आप वाली पार्टी में गुटम गुट का जिक्र ज्यादा चल रहे हैं, ये जो घुटम गुट है कांग्रेस में, हरियाणा की कांग्रेस में घुटम गुट है, आप तो ऊपर बैठे रहो केंद्र में, और आप देखे जाओ बड़े तो बीच बचाओ, बीच बचाड़ा कर दिया करो, ये घुटम गुट वाली जो राजनीति है इस पर क्यों कर पार्टी बाहर निकलेगी? देखो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल केंद्र में, भाई जमीन तो यही है, उठना तो यहीं से है, पैदा हिसार में हो गए, इलेक्शन में सिरसाथ लड़ रहा है, फिर हम बड़ा है तो नहीं, लेकिन हिसार की हूँ, पढ़ी भी हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब इलेक्ट तो हरियाणा से ही होती हूँ, कोई मैं टिम्बकटू से तो नहीं इलेक्ट हो जाती हूँ, भाई ऊपर के ऊपर है, तो ये गुटम गुट कैसे, मैं तो यहीं के हिसार की, मैं सरसा से इलेक्ट हुई, अम्बाले से हुई, तो मतलब ये तो कोई बात, गुटम गुट देखो गुट की। अच्छा पहली बात,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुट को नहीं दिख रहे आपको ना? वो मैं तो कई बार कह रहा हूँ किसी गुमचोट है किसी का बैर खोपड़ा में खून निकला है। अब इनका मैं तो कह रहा हूँ देखो कांग्रेस का तो खोपड़ा में तो बैर खून निकल जाए उनकी तो वह चोट है। बीजेपी का जो गुट गुमचोट है वो गुमचोट मेरे हम और खतरनाक होने होगी उनके भी है गुट। तो मैंने तो कहा गुट तो सारे में किसी में गुट हम गुट है किसी में गुट है। तो हमारी बात ये है कि लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, हमारी ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही फरमान जारी हो। ये तो आपको पता ही है। हरियाणा कांग्रेस में कौन सी कांग्रेस आपकी पसंद? हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय बोलो लगे पहले नहीं बोले इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ पहले मतलब सीधा कांग्रेस पार्टी बोल देते रिश्ती आ गई भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा है। अगर मुझे इसमें थोड़ा राष्ट्रीयता एक बात बता दूं भारतीय जनता पार्टी हुई आज पैदा हुई होगी कल इंडियन नेशनल कांग्रेस कब पैदा हुई थी? पहले थी ये तो घनी पहले चुनाव चिन्ह बदल गए गाय बछड़ा का चुनाव चिन्ह बिहार था वो बदल गया। उससे पहले दो बैलों की जोड़ी भी हाँ दो बैलों की जोड़ी भी थी वो भी बदल गया। ये भी पंजा आ गया ये पंजा कई बार गला पकड़ ले बीजेपी भी पहले जनसंघ थी और लेकिन जनसंघ भी बहुत बाद में पैदा हुई थी ये भी बहुत बाद में। कांग्रेस की तो जड़ें इतनी मजबूत हैं ये कोई बात नहीं है। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये अच्छा अच्छा तो ये जो हाथ का पंजा है ये जो हाथ का पंजा है ये गला पकड़ेगा लोगों के पैर पकड़ेगा हाथ मिलाएगा। चलो एक हम बराबरी से दूसरे को आदर देना जानते हैं। और लोग हमको आदर देते हैं। आप अपना इलेक्शन लड़े अपना दम पर लड़ोगे सोनिया गांधी के दम पर लड़ोगे राहुल गांधी के दम पर लड़ोगे उनके साथ जो नजदीकियां हैं केंद्रीय राजनीति में सोनिया गांधी के काफी करीबी हैं आप बहुत करीबी तो उस दम पे इलेक्शन लड़ोगे या अपनी छवि के दम पे इलेक्शन लड़ोगे? अंबाला इसकी बात करो लोग एक बात आपको बताऊं सोनिया गांधी के राहुल गांधी के सभी करीब हैं मैं अकेली नहीं ना थोड़ा आप फिर भी सारी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके करीब हैं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके उतने ही करीब हैं। मेरी आपने कहीं फोटो खींच ली औरों की आपके बारे में नजदीक मंत्रालय ये सारी कांग्रेस अलग नहीं है सारी कांग्रेस एक है सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी की सदारत में अच्छा अच्छा उनके नेतृत्व में सारे हम सब जब कई बार हरियाणा की राजनीति की बात करें जरा राहुल गांधी और सोनिया का नाम आ जाए उस टाइम थोड़ा मतदाता नहीं कंफ्यूज हो जाए ऊपरली तरली वोट का चक्कर हो जाए ऊपरली खड़े देवा तरली खड़े देवा यानी कि लोकसभा की और विधानसभा की वोट में आज के दिन तो चुनाव लोकसभा का है आज तो लोकसभा हाँ या ऊपरली वोट है अब ऊपरली तरली आप देखो एक बार आप हमारे हरियाणा के लोगों को ऐसे बुद्धू समझ रहे हो क्या? समझे ना भाई अच्छा बिल्कुल नहीं हमारे मतदाता बहुत समझदार हैं ऐसे मत कहो आप ना, आप भी हरियाणवी मैं भी हरियाणवी हमारे लोग ऐसे कोई बुद्धू नहीं मैं इसलिए कहूँ कई बारी है नहीं कई बारी मतदाता नू सोचते पाऊँ भाई शैलजा जी हैं उनको तो हम पसंद कर लेंगे चलो कई बार ऊपर वाला सिस्टम बनू आ जाए भाई चलो हम सब कांग्रेस पार्टी एक है कांग्रेस माँ है आपकी बिल्कुल माँ है हम इसी में पैदा हुए हैं। और एक आपके बारे में थोड़ी मेरे पर यह भी जानकारी थी आपकी जो माँ थी उनको मुखाग्नि आपने दी थी तो ये भी एक अलग सी चीज निकल कर आई थी। आर्य समाजी हूँ अच्छा आर्य समाजी से ताकत रखते हैं बिल्कुल मेरे पिताजी आर्य समाजी हमारा परिवार आर्य समाजी हूँ ये नहीं है हम क्यों आज मैं मीट भी खा रही हूँ वो भी दूसरे शुद्ध शाकाहारी हमारे तो हर जो कोई इस तरह की बात होती है हम अपन भी करते हैं। कुलदीप बिश्नोई जो अपनी परिवर्तन बस यात्रा चल रही है कई बार जो कुलदीप बिश्नोई चढ़ने लगे ना बस में पंजा दाब दिया रेस बस का एक्सीलेटर पे पैर धर दिया चढ़ने नहीं दिया फिर आगे जाम लगे फिर चढ़ बस गए मतलब क्या सिस्टम है उन्हें मतलब चढ़ने मैं एक अलंकारिक रूप में कह रहा हूँ बस में बिठाने देखो नहीं कुलदीप बिश्नोई का भी वो काम हो रहा है बोला कि मैं तो बुआ का जी उतर रहा था ऊपर तो फूफा लेना गया मतलब बीजेपी वाले भी लाड़ गिर रहे हैं उस पर है क्या कहना चाहोगे कुलदीप बिश्नोई कभी तरतो लेखा रहे हमारा साथी है ऐसी क्या बात है मेरी कई बार उनसे बात होती रहती है पूरे समर्पित हैं कांग्रेस के दिल कड़ी है दिमाग कड़ी है कुलदीप बिश्नोई का ऐसी कोई बात दिमाग समर्पित है समर्पित है तो इस हार से देखो पार्टी का फैसला मैं तो जब तक मेरी टिकट का फैसला नहीं हुआ सब लोग जानते हैं मैं तो फिर यहाँ पे आई नहीं मैं क्या जब
मेरा फैसला हो जाए तब आऊंगी मैं। अच्छा हाँ, मतलब पहले मतलब उन्होंने एक भी रोका घेर दिया, फिर उन्होंने कहा टिकट की शोर नहीं मिली। पिछली बार चुनाव में लड़ा आपने, राज्यसभा में चले गए? पिछली बार मुझे राज्यसभा में भेज दिया। सोनिया गांधी के नजदीक क्यों का फायदा मिला? फिर वही बात भाई, क्यों नहीं, कोई नहीं, आप भी चाहो आप भी नजदीक हो। अच्छा अच्छा, हाँ वो आपको भी उतना ही पसंद करेंगे। अच्छा जी, देखो पसीने सब कह रहे हैं, इलेक्शन तकड़ा है और नाक का सवाल है, साख का सवाल है, आर पार का मूड में सारे। अम्बाड़ा लोकसभा की हम बात करा, 9 विधानसभा क्षेत्र चुनाव है, तो किसी की तैयारी है और शुरू होगी कैंपेन आपकी? तैयारी शुरू हो गई है, कल मैं आई हूँ तो बहुत लोगों में बहुत उन्होंने गर्मजोशी से मेरा यहाँ पर मुझे वेलकम किया, स्वागत किया, घर लेके आए और अब सभी लोग लगे हुए हैं। 9 के 9 हलकों में हम डंके की चोट से हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता और हमारे यहाँ के आम जनता कांग्रेस को जिताएगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास। नर्वसनेस तो कुछ ओखली में जब सिर दे दो, अगर मुस्लिमों से डरने लगोगे तो जाके नौकरी कर लो, नहीं तो कर्मो बन जाओ, अपने आज करो मजे करो। मतलब मजी हुई राजनीति है आपकी, उस चीज का आपने कोई दिक्कत जीत हार मानी? राजनीति में जीतना है, जीतने के लिए आए हैं मैदान में, क्या बात हुई। जब टाइम था उस टाइम हारे भी थे, टिकट भी कटी थी मेरी, हर तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस बार लोगों का मन है, फैसला है और हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद। आम आदमी पार्टी के तो ब्लड ग्रुप मैच हो रहा था, कुछ समझौता कर लेते हैं ब्लड ग्रुप तो मैच हो रहा था। हरियाणा में देखो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, हम पूरी तरह से विकल्प है, तो मुझे नहीं लगता सबकी यही राय थी, सबकी, मैं अपनी अपनी नहीं कह रही, सबकी यही राय थी कि हम अपने दम पे विश्वास है आपका? मतलब ये लोगों पर और कार्यकर्ताओं पर, इसको कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। कितनी सीट जीतने का दावा है हरियाणा में? अब समय बताए, लेकिन मैं समझती हूँ अगर सारा कुछ ठीक ठाक बैठता जाएगा 10 की 10 पे हम दावा कर सकते, 10 की 10 कर सकते हैं। चलो नतीजे आने के बाद एक इंटरव्यू और करूंगा फिर आप। हम बिल्कुल करेंगे, हमने कहा आप भी यहाँ हम भी यहाँ, पूछेंगे 10 की 10 जाएंगे, 10 का दम देखेंगे कितना रहा, 10 का। चलो जी, तो हमने कुमारी सैलजा जी जो एक राष्ट्रीय सत्र की कांग्रेस की महिला राजनेत्री, और भाई इनका काफ़ी कुछ मेरे पास जो कुछ जानकारी थी वो हमने इनके साथ शेयर करी, साझा करी, और भाई करेला का जूस पी गया रहा था, कड़वे कड़वे मैंने सवाल लिए और मैंने खुशी इस बात की है मेरे कड़वे कड़वे सवालों पर मुस्कुराए का जवाब दिए हैं कुमारी सैलजा जी ने, नहीं तो एक आध नेता जी से भी खंड नाम है। क्यों एक आध है नेता जी? आपका काम है सवाल पूछना, तो उसमें क्या एक आध नेता हूँ तो जब मैं कड़वे सवाल पूछूंगी तो टूट के पड़े, किसने पत्रकार बनाया तेरे को? भाई आप बात मुझे नहीं मालूम पर ऐसा नहीं। चलो चलो जी, चलो वो तो वीडियो देखने वाले हिसाब ला लेंगे मैं किसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भीतर की बात हमारा कार्यक्रम था और भीतर की भाप मामने कटवाई कुमारी सैलजा की, वीडियो देखियो, हिसाब लाइयो, इनका कॉन्फिडेंस लेवल के है, इनकी बातों में कितना दम है, कितना पानी में है, इलेक्शन कड़ा बहुत कसुत्ता मुकाबला चल लगा, खींचतान कसुत्ती चल लगी, गहमा गहमी कसुत्ती हो रही है, बने रहो दम संसार क्रांति के लिए। अगले हम प्रत्याशी ने पकड़ांगे, भीतर की बात उस पर पूछेंगे, भीतर की भाप कटवाओगे, बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ थारा देशी पत्रकार कर्मू, जय हरियाणा, राम राम। वाह।